अच्छा नेम को नहीं आपने सिंपल यहाँ पे एक स्क्रिप्ट है रिडार सिस्टम स्क्रिप्ट को उठाना है और अपने पास कॉपी कर लेना है हो गया। उसके बाद ये दो तस्वीरें ये जो एनिमी को पॉइंट करेगी रेड वाली और ये बीम है इस तरह शायद नज़र ना आए जो आपको नज़र नहीं आएगी वाइट है उधर नज़र आएगी और ये आपका वो है पॉइंट करने के लिए इनको मैं सेव कर लेता हूँ यहीं। इन दोनों को आपने क्या करना है यहाँ से क्लिक करना है स्प्राइट 2D करना है साइज़ जितनी भी करना है साइज़ को आपने छेड़ना और छेड़ लेना वरना आप स्प्राइट 2D लाजमी करना है ठीक है ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं स्प्राइट 2D करने से ठीक हो गया। और लास्ट एक चीज़ रह गई वो ये है कि ज़ोंबी एसेट्स टेक्सचर्स पीजी रडार बैकग्राउंड ये भी चाहिए था इसको उठाना है और आपने इसको यहाँ पे भी ड्रैग कर लेना इसको भी वही सरप्राइज 2D अच्छा अब लगाना किस तरह जो आपका कैमरा है ये लगाना था किस पे कैमरा है कैमरा जिधर जाएगा वो कैमरा देखेगा उसको कैमरा किसके अंदर है प्लेयर के अंदर FPS मेन इसके अंदर पड़ा है FPS मेन कैमरा यानी कि प्लेयर का कैमरा ठीक है आपने उठाना है रिडार सिस्टम इस पर ड्रैग कर देना हो गया ये यहाँ पे शो नहीं होगा ये रन टाइम पे आएगा ठीक है अच्छा साइज इसको भी छोड़ दें डिस्टेंस को फिलहाल छोड़ दें नेविगेशन यहाँ पे रखना है आपने 1 देना है और आपने इंटर देना है यानी कि किसको नेविगेट करना है किसको करना है उसका वो ये वाला पॉइंट जो हमने लिया है इसको ये वाला रेड निशान इसको नेविगेट करना है एनिमी टैग क्या दिया है सबको हमने टैग जो टैग आपने एनिमी को दिए वो यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना है एनिमी जो भी आपने दिया होगा मैंने एनिमी दिया तो मैंने एनिमी लिख दिया उसके बाद कंपास क्या होती है वो जो निशानदेही करेगी कंपास होती है हाँ पॉइंटर समझ लें आप उसको ये कंपास यहाँ पे कंपास डाल दी तो कहता है नेविगेशन बैकग्राउंड यानी कि इस रडार का बैकग्राउंड क्या होगा ये बैकग्राउंड होगा ठीक हो गया। उसके बाद प्लेयर क्या है प्लेयर को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना है प्लेयर उसके बाद लास्ट ये कि पोजीशन अलाइनमेंट मिडल लेफ्ट में हो लेफ्ट टॉप पे हो राइट टॉप पे हो मैं कहता हूँ जी लेफ्ट के टॉप पे हमारा ये रडार हो हम चला के देखते हैं फिर क्या होता है कि रन टाइम पे चलाओ छोटी स्क्रीन करके अपने लिहाज से सेटिंग कर लो जो इस वैल्यूज हैं उसको कॉपी कंपोनेंट करके गेम बंद करके ये देखें जी दो रडार हैं ये देखें घूम रही है ये नेविगेशन ये प्लेयर पे लगी है इसी तरह दो एनिमी खड़े हैं अब ये बिल्कुल एनिमी के ऊपर पॉइंट चला गया कि नहीं ये बीम आप घूम करें अब देखिए अगर एक दो हैं मेरे पास पहले कितने रह गए 1 रह गया क्या वो छोटा कर वो तो आप कर लेते हैं छोटा फिर आप क्या करो जनाब कंट्रोल शिफ्ट भी पॉज की गेम इसको छोटी स्क्रीन की यहाँ से ये कर दिया अब आप इसको सेट कर लें यहाँ से आके आप कहते हैं जी रडार का साइज छोटा कर लूँ मैं हो गया सर जी छोटा यहाँ पे आप 300 बहुत है ठीक है जी डिस्टेंस अच्छा अगर ये ना एनिमी आपके दूर हुए ना तो ये रडार में नहीं आएंगे फिर आपने क्या करना है यहाँ से स्केल ज़्यादा नहीं बढ़ाना 1.5 कर देना है तो आपने गौर किया होगा कि 1.5 से ना वो बिल्कुल करीब आ जाते हैं अब देखना मैं ये पॉइंट छोटा सा नुकता नज़र आ रहा है ये वाले दो एक नुकता अब मैं इसको करता हूँ 5 बिल्कुल पाँव के पास ही आ गया पता ही चलना है तो ये स्केल नहीं आपने छेड़ना ये मैक्सिमम 1.5 या 2 से ज़्यादा नहीं करना आपने
ठीक है, वैसे 1.1 भी बहुत होता है, लेकिन अगर ना आए तो अच्छा, इसको करते हैं नन, नन भी कर लो फिर भी ये लेफ्ट पे आ जाता है टॉप। अच्छा 300 हमने इसकी वैल्यू, गेम बंद करनी पड़ेगी, फिर दोबारा क्लिक करके इसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मेरा तो 1 ही ठीक है। ओके ये देखिए नेविगेशन, ये जा रही है कि नेविगेट कर रही है कि आपका प्लेयर किस तरफ देख रहा है, ये होता है रिडार सिस्टम। अच्छा एक और बताता हूँ क्या मसला है हुआ। उसे दो शो करवाए हैं, उसके तीसरे को टैग ना हो, पॉसिबल है। एनिमी एनिमी एनिमी। अच्छा इसका स्केल आप ना बड़ा करें, वो कोई एक आदमी मिस कर रहा है, वो दो कर देते हैं स्केल। ये तीन हो गए। वो क्या था, एक दूर था जिस वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रहा था। अब तीन है, गौर से देखोगे ना, अब पहले दो नज़र आ रहे थे, जैसे इसको हिट किया दो रह गए, जैसे इसको हिट किया एक रह गया। आ रहे नज़र, खत्म हो गए सारे, 0 हो गया, गेम अभी कंप्लीट हो गया। ठीक है ये प्रिंट है, वो अलग करना पड़ेगा क्या, पेंट प्रिंट वो जो था कि 5 सेट हो। यार जब रिडार यहाँ आप प्रिंट करवा रहे हैं, अब देखे ना रिडार भी तो इसलिए लगाया है ना हमने, रिमेनिंग कितने बच गए हैं। आपने शूटिंग गेम में खेली हो तो उसमें ऐसे ही होता है कि रिडार लगा होता है, रिडार में वो शो करवा रहा था कितने आपके, रिडार वगैरह लगाने का मकसद क्या है। नहीं एक तो इसका ये फायदा है कि एनिमी काउंटिंग हो जाती है, दूसरा ये फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि किस लोकेशन पे एनिमी, तो वो नहीं लग सकता दूसरे वो आप लगा लें, वो फिर डार नहीं लगाना, दोनों चीज़ें नहीं लगानी, एक चीज़ लगानी है या काउंटिंग। वैसे ये अच्छा होता है शूटिंग गेमों में, आपकी मर्जी है, वो लगा लें ये लगा लें, ठीक है काउंटिंग करवा लें, काउंटिंग है वो फिर आपको टेक्स्ट लिख दोगे इतने रह गए इतने रह गए, उससे अच्छा ये नहीं, ये भी तो वही चीज़ है ना। देखें तीन है पता है हम तीन रह गए खेलने वाले को, या तीन एनिमी है मेरे, आप मारे दो रह जाएंगे एक रह जाएगा कोई, वो मैं देखना पड़ेगा, वो देख के बताता हूँ बाद में आपको। और कोई, अच्छा ये भी हो गया था, और क्या रह गया था, और रह गया था भाई जान बता देता हूँ किस तरह होता है। आपने प्लेयर पे क्लिक करने, इसके ऊपर स्किप लगे हुए हैं सारे, कैरेक्टर मोटर FPS, आपने FPS इनपुट कंट्रोलर है कंप्यूटर के लिए, आपने इसको बंद कर देना है। FPS इनपुट कंट्रोलर मोबाइल, इसको ऑन कर देना है। तो ये है जी मोबाइल ऑन, बिल निकाल लेनी है। ये आपका क्या करेगा, इधर उधर देखने के लिए है, ये जॉयस्टिक होगी चलने के लिए, अगर आपने चलने वाला सिस्टम बंद करना है तो आप ये भी बंद कर सकते हो, पा देता हूँ किस तरह बंद होगा। ठीक है इधर से शूट होगा, इधर से जूम होगा, चलेगा भी चलने वाला होना चाहिए इधर इधर। ये पिक्चर चेंज भी कर सकते हैं इनकी भाई, पिक्चर चेंज कर सकते हैं आप, ऐसे पिक्चर निकालें कैसे क्या, ये जैसे स्क्रिप्ट के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं उनके ऊपर ये डाल, दूसरी पिक्चर डाल देना। अब आपको दिखाऊँ मजे की बात, मोबाइल कंट्रोल पे इजीली माउस काम करता है क्योंकि वो घूम नहीं रही ना। मैंने ये पिक्चर्स पढ़ी हैं, देखो टच मूव, मूव की पिक्चर ये लगी हुई है, इसकी जगह आप दूसरी पिक्चर डाल दोगे, बटन ये लगा हुआ इसकी पिक्चर अपनी डाल दोगे, एम जूम कर एम करने के लिए, टच शूट करने के लिए आप यहाँ पर अपनी पिक्चर डाल दोगे, उन्होंने ये डाली है आप दूसरी भी डाल दोगे। और कुछ पिक्चर, अच्छा जी ये भी हो गया, इसके आप क्या निकाल लोगे, बिल निकालें इसकी, निकालते हैं बिल, देखते हैं होता क्या, एक इशू शायद आए, कंफर्म नहीं है। बिल सेटिंग, प्लेयर सेटिंग,
डिफ़ॉल्ट कंपनी शंपनी की छोड़ो, रेजोल्यूशन स्प्लैश इसको भी छोड़ो, अदर सेटिंग में आ जाएं, अदर सेटिंग में आने के बाद इसको कर लो, गैमा गैमे को छोड़ दो, इधर से आगे ये चेंज करना है, कंपनी नेम डॉट शूटिंग डॉट गेम 1.1 जिसे मैंने फैट को आपने ए आर इस पर कर लेना है और आपने जाना है और इधर से बिल्ड पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे बिल्ड बना देनी है, एनिमल ये बिल्ड बनना शुरू हो गई है और टाइम लेगी पहली बिल्ड, अब कैसे चेंज करें उसको।